बैंक और बीमा कंपनियों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन कंपनियों में काम करने वाले बड़े अधिकारियों के परिजनों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है, जिसका मतलब ये होता है कि जिन अधिकारियों का वेतन 8 लाख सालाना से ज्यादा होगा, उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल जब मंडल आयोग के तहत सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण शुरू किया गया, तब तय हुआ था कि क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पीएसयू बैंक और बीमा कंपनियों को इसके अंदर नहीं रखा गया। ऐसे में उन अधिकारियों के बच्चों को भी आरक्षण मिलता था जिनकी कमाई क्रीमी लेयर से ज्यादा थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने यहाँ भी क्रीमी लेयर के आधार पर अधिकारियों का बंटवारा कर दिया है। बता दें कि काफी वक्त से ऐसा करने की मांग की जा रही थी। मोदी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसके बाद बुधवार को इसको मान लिया गया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।